अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ एहसान इलाही और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह है नौलखा कोठिया। आज हम आपको इसका विजिट करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका रकबा 3 एकड़ में है और आप ये देख सकते हैं कि ये लकड़ियां वगैरह अभी भी और ये दरवाजे वगैरह आप देख सकते हैं। इधर अंग्रेज रहायश पजीर रहे हैं, उनके जाने के बाद ये आर्मी वाले यूज करते रहे हैं, उनका रेस्ट हाउस बना रहा है, उसके बाद इसे मेंटेन करना छोड़ दिया और इसकी अब आप हालत देख सकते हैं कि हालत कितनी खस्ता हुई पड़ी हुई है ना मेंटेन करने की वजह से। पाकिस्तान का मटेरियल इतना गंदा हो चुका है कि उधर कोई भी इमारत बनाते हैं तो 20 साल बाद वो गिरना शुरू हो जाती है और ये गालबन 120 साल पुरानी बनी हुई है इमारतें हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं अभी भी ये कितनी मजबूती से बनाई हुई थी उन्होंने रहने के लिए और उस टाइम इस पे 9 लाख रुपए लगे थे, 110-120 साल पहले की बात है ये गालबन। ये आप टोटल देख सकते हैं। आप इसका टोटल नक्शा चेक करें ये किस नक्शे के तहत बनी हुई है, हम आपको इसका टोटल विजिट करवाएंगे। इस टाइम अंदर जाना तो मुनासिब नहीं है और ना जा सकते हैं, खतरा है अंदर जाने के लिए, लेकिन हम आपको इसके टोटल विजिट करवाते हैं इसका बाहर से। ये आप देखें टोटली इसकी छतें, ये जो लकड़ी डली हुई है अभी तक ये ऐसे ही है। ये आप लोहे के गार्डर और ये आप लकड़ियाँ चेक कर सकते हैं। हमारे इधर कोई लकड़ी डाली हो तो वो तकरीबन 3-4 साल बाद दीमक खा जाती है या वैसे बेकार हो जाती है या गार्डर है जंग खा जाते हैं। ये देख ले कि इतनी इतनी चीज़ में मिलावट आ चुकी है। अब इसके कमरों की तादाद इतनी है कि कोई आज तक इसके कमरे नहीं काउंट कर चुका सका कि कितने इसके कमरे हैं टोटल। आदमी एक रास्ते से आता दूसरा रास्ता इसका भूल जाता है।
ये आप देखें, ये उस टाइम जो तैयार किए हुए ऊपर देखें, आजकल हम कहते हैं सीलिंग करवा रहे हैं, सीलिंग 4-5 साल बाद सीलिंग एंड होना शुरू हो जाती है। आप ये चेक कर सकते हैं, ये इमारत 20 साल पुरानी इमारत। या आप देख सकते हैं कि दरवाजे और कितने कमरे हैं, बेतहाशा इधर कमरे हैं, जो आप रास्ते और दरवाजे गिनती में नहीं आते। ये वक्त बनी थी 120 साल पुराना नक्शा है और 120 साल पहले की सोच के इक्वल उन्होंने ये कोठी तैयार की थी। और आज हम नक्शा बनाते हुए सोचते रहते हैं कि ये करें वो करें, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने बनी हुई है और ये कैसी ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। हमारे पाकिस्तान के कोई भी इमारत इतनी देर पुरानी बनी हुई, कोई खड़ी हुई नहीं नजर आएगी, लेकिन ये आप देख सकते हैं। टोटली गिर से सारे आप
देखें अब ये सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर उनकी इधर से। अब तो इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, अंदर जाने से मना किया जाता है, लेकिन जब ये बनी थी तब ये देखने वाली थी और अपने वक्त की बहुत ही ज़बरदस्त ये कोठी थी, इसीलिए इसका तब इस पे 9 लाख लगा था, इसलिए इसका नाम 9 लखा कोठी रखा गया है।